Hey everyone, a very good evening to all of you and welcome back to Knock Knock AR Education. So this is our second free course, which is a comprehensive course on linear algebra. As you know that we have fully completed our first free course on integral calculus, which was for all the aspirants who are either preparing for IIT JAM or for GATE exam. The course is available for both the aspirants, and all of you can check that course. It has been completed along with the discussion on the previous year questions. Okay. So today we are starting with this course on linear algebra, but before I start teaching about the topics that will be mentioned in the course, let me give you a little idea about few other things which all of you might be asking in the comment box. So it's better for me to answer all those questions pehle se hi. So start karte hain. Sabse pehle I'll talk about one thing, that is the syllabus. So you know that अभी कुछ दिन पहले ही है ना हमारे पास IIT गुवाहाटी ने IIT जैम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है. वहाँ पे सिलेबस उन्होंने दिया है, तो कई बच्चों को बहुत डाउट था, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे. तो लेट मी टेल यू, पिछले साल जो सिलेबस था बिल्कुल वही सिलेबस है. सिलेबस में कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है, ठीक है. तो लीनियर अलजेब्रा अगर आप देखोगे वहाँ पे, तो जो उन्होंने मेंशन किया है सिलेबस के लिए, तो आप देखोगे इस टॉपिक को उन्होंने दो पार्ट में मेंशन किया है. पहला तो उन्होंने मेंशन किया है मैट्रिसेस को लेके, और दूसरा उन्होंने मेंशन किया है किसको, लीनियर अलजेब्रा को लेके, ठीक है. बट सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन हैं वो काफ़ी आप कह सकते हो कि जिनको हम कहते हैं हाईलाइट्स हैं, उनके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी. जैसे आई मेंशन मेट्राइसिस में उन्होंने क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो अगर आप सबको याद हो तो मैं ऑलरेडी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कवर करा चुकी हूँ. तो ये टॉपिक आप लोगों में से जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में से जाके इस कोर्स को देख सकते हैं, ठीक है. कुछ आई थिंक 3 to 4 सेशंस मैंने लिए. देन दे हैव मैंशनड अबाउट द रैंक, नलिटी दे हैव मैंशन, एंड देन दे हैव टॉक्ड अबाउट रैंक नलिटी थ्योरम, ओके, रैंक नलिटी थ्योरम. एंड उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे इनवर्स, देन दे हैव टॉक्ड अबाउट डिटर्मिनेंट, एंड डिटर्मिनेंट के बाद इन्होंने मेंशन किया है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है. तो आप देखो सिलेबस को दो पार्ट में ज़रूर डिवाइड कर दिया है, बट मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो हैं वो हम इस लीनियर अलजेब्रा वाले जो टॉपिक है उसमें ही कवर करेंगे. यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, बेसिकली लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा ऊपर मेंशन किया था, तो यहाँ पे इन्होंने मैट्राइसेस लिख दिया, ठीक है. और दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या लिख दिया लीनियर अलजेब्रा के कोर्स को, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, ठीक है. तो आई थिंक अब आप में से एक चीज़ तो बहुत सारे बच्चों की क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन किया हुआ है तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होंगी जो कि आप लोग हमेशा पूछते रहते हो. हमें सिर्फ क्या कवर करना है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, ठीक है. जैसे हम कोर्स में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस होता है उसकी जो डायमेंशन होती है वो फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट. बट एज दे हैव मेंशनड क्लियरली इन द सिलेबस पोर्शन दैट दे विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, तो हम भी उस पर ही काम करेंगे. यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है लीनियर इंडिपेंडेंस, ओके, लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स. देन दे हैव मेंशनड अबाउट द बेसिस, बेसिस के बाद इन्होंने मेंशन किया है सिलेबस में. तो अगर आप देखो तो आपको सिलेबस, जैसे मैंने IC का कोर्स शुरू किया था, अगर आप सिलेबस नहीं भी देखोगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी सिलेबस उन्होंने मेंशन किया है, मैं आपको हर कोर्स के स्टार्टिंग में वो पूरा सिलेबस लिख के आपको दे दूंगी. तो इफ़ यू डोंट चेक दैट देन ऑल्सो इट्स फाइन, ओके. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन दे हैव मेंशनड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. और अब आप में से कुछ लोगों का सवाल आएगा कि मैम आपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तो हम लोगों को पढ़ा दिया है, एक दो लेक्चर आपने डाले थे, बट डोंट वरी, क्योंकि ये फुल डिटेल्ड कोर्स है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप में से किसी को भी इस कोर्स के लिए इधर उधर क्लासेस देखनी पड़े. तो हम दोबारा से वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है. सो रेंज स्पेस, देन दे हैव टॉक्ड अबाउट नल स्पेस, एंड अगेन रैंक नलिटी थ्योरम.
ठीक है. तो दिस इज द सिलेबस दैट दे हैव मेंशनड. फाइन. सो एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, इस सिलेबस को अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली हाइलाइट्स हैं. इनके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है. तो पहले तो कुछ कन्फ्यूजन मैं हटा देती हूँ. बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा है कि आप पहले मैट्रिसेस शुरू करोगे या लीनियर अलजेब्रा शुरू करोगे. तो आई टेल यू वन थिंग, मैं आपका जो कोर्स है वो शुरू करूँगी फील्ड से. ठीक है. मैट्रिक्स के लिए मैं अलग से कोर्स बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने मैंशन कर दिया इनवर्स डिटर्मिनेंट. बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैट्रिक्स को समझना है, सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक मतलब स्पेशल तरीके के मैट्रिक्स, तो उसके लिए अलग से मैं एक कोर्स बनाऊंगी आपके लिए. तो फिलहाल कोर्स की जो शुरुआत है वो मैं फील्ड से करूंगी. फील्ड पूरे लीनियर अलजेब्रा में आपको बहुत काम आएगा. अगर आपको फील्ड नहीं पता है देन देर इज़ अ प्रॉब्लम. सो इनिशियली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फील्ड. आफ्टर दैट वी विल बी स्टडिंग अबाउट वेक्टर स्पेसेस. ओके. सो इन दिस वी विल बी डूइंग अबाउट द डेफिनेशन पार्ट, वेक्टर स्पेस क्या होता है. देन यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे. एग्जांपल्स में भी हम कुछ यू नो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स की बात करेंगे जिनको हम हर जगह यूज़ में लाएंगे. ठीक है, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स. और कुछ फिर हम इन्हीं के बेस पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो गिवन नॉन एम्प्टी सेट है विद गिवन एलजेब्राइक ऑपरेशंस, उस पर वो क्या हो रहा है, वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है कि नहीं. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे. वंस वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वेक्टर स्पेस, उसके बाद हम यहीं पे, अब देखो मेंशन नहीं किया है बट टॉपिक बहुत सारे हैं, देन वी विल कवर अबाउट द सब स्पेस. फिर सब स्पेस के भी हम एग्जांपल्स देखेंगे. फाइन. ये फिनिश होने के बाद हम पढ़ेंगे लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स. फाइन. वी विल बी स्टडिंग लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स. इस टॉपिक में भी हमें क्या करना है, वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ फ्यू थ्योरम्स, जिनको आप कॉन्सेप्ट्स भी कह सकते हो, जो एग्जाम में हमारे काम आएंगे. ठीक है. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द स्पैनिंग सेट. ठीक है. और इस स्पैनिंग सेट को भी पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, राइट, लीनियर कॉम्बिनेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. एंड सब स्पेस में अगर आप देखोगे तो एग्जांपल्स भी करेंगे और यहाँ पे हम कुछ थ्योरम्स भी करेंगे. ठीक है. जैसे यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेज इज अ सब स्पेस और नॉट, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेज इज अ सब स्पेस और नॉट. वंस वी विल फिनिश दिस स्टोरी, नाउ वी आर रेडी टू स्टडी अबाउट द बेसिस एंड डायमेंशन. तो बेसिस एंड डायमेंशन विल टेक यू नो आई थिंक 2 or 3 लेक्चर्स, बिकॉज हियर वी हैव सो मेनी थ्योरम्स, देन वी हैव सो मेनी कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस हमें बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. इसलिए हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर हमें बेसिस एंड डायमेंशन समझ आ गया, आगे जाके आपको जो भी सब स्पेस मिलेंगे, चाहे वो नल स्पेस हो, रेंज स्पेस हो, कुछ भी हो, हमें सबकी बेसिस एंड डायमेंशन निकालनी होगी. ठीक है. तो इसे हमें बहुत मतलब ध्यान से समझना होगा. जब हम बेसिस एंड डायमेंशन फिनिश कर लेंगे, आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन होल लीनियर अलजेब्रा, एंड दैट इज़ आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखेंगे कि कैसे मैपिंग्स को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, उसके हम एग्जाम्पल्स करेंगे, राइट. एग्जाम्पल्स करने के बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कब हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को 1-1 बोलेंगे, कब हम उसको ऑन टू बोलेंगे, कब हम उसको इन्वर्टिबल बोलेंगे. और इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हम एक और चीज़ लिख लेते हैं, जैसे हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सिंगुलर कब बोलेंगे, देन वन व्हेन वी विल कॉल इट नॉन सिंगुलर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. और इनको पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, वी हैव टू स्टडी रैंक नलिटी थ्योरम, जो कि आप देखोगे सिलेबस में मेंशन किया है. इस थ्योरम का हम बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. ओके. तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या होता है, आप या तो नलिटी निकाल लो या रैंक निकाल लो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, दूसरी ऑटोमेटिकली निकल आएगी, बिकॉज वी आर वर्किंग विद द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. जब हम पढ़ेंगे चीज़ों को तो आपको और डिटेल में समझ आएंगी सारी चीज़ें. ठीक है. रैंक नलिटी थ्योरम के बाद हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे, लाइक रेंज स्पेस.
रेंज स्पेस के बाद हम यहाँ पे देखेंगे नल स्पेस, जो कि आपको नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझाएगा। इनके बीच में जो इनकी डाइमेंशंस होंगी उसका रिलेशन रैंक नलिटी थ्योरम से मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे अलॉन्ग विथ थ्योरम्स, कुछ स्पैनिंग सेट और एल आई एल डी को लेके। ठीक है, देन वी विल कम टू व्हाट, वी विल कम टू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और ये वो पोर्शन है जो आपका काम पूरी लीनियर अलजेब्रा में बहुत आसान कर देता है। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम लोग एल टी के साथ काम नहीं कर पाते लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, तो हम उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का किसी एक बेसिस के करिस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बना देते हैं। और अब जो काम हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में करना था, हम वही काम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कर लेते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की कहानी सिर्फ इतनी है कि टी एक लीनियर ऑपरेटर दिया हो या फिर एक कोई वेक्टर स्पेस ही दिया हो, ऐसा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो, एक बेसिस दी जाएगी और बस आप निकाल दोगे, आपको सिर्फ इतना ही लगता है। बट उसके अलावा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, क्योंकि इस कोर्स के थ्रू मैं सिर्फ आपको आईआईटी जैम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ही नहीं पढ़ा रही हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो जैम के एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे इंटरव्यूज़ के लिए अपेयर होंगे आइजर्स में, तो आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट ऑल्सो, सो दैट इफ इन इंटरव्यू समबडी आस्क यू what does the column of a matrix represent once you write the matrix representation of a LT, तो आपको पता होना चाहिए वो कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसी चीज़ को समझने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट वेक्टर वी विल बी स्टडिंग, फाइन, एंड देन वी विल बी स्टडिंग चेंज ऑफ बेसिस। अब चेंज ऑफ बेसिस जो है वो एज सच सिलेबस में मैंशन नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आए हुए हैं और काफ़ी कुछ है हमें यहाँ पे जानने को, थ्योरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जो हमारी हेल्प करती है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड। ठीक है, अभी तक आपको सिर्फ ये लगता था कि एक लीनियर ऑपरेटर दिया होगा या आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया होगा और आपको क्या करना है, एक बेसिस है उसको दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के और आंसर निकाल देना, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द केस। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हमको बहुत अच्छे से समझने हैं, एंड दिस सेशन विल ऑल्सो टेक आई थिंक टू सेशंस टू सी व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन द चेंज ऑफ बेसिस। ठीक है, इतना हो जाने के बाद वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। अब यहाँ पे अब तक आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों को सिर्फ अब तक यही पता है कि एक मैट्रिक्स ए होगी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई जो है उसको हम ज़ीरो कर देंगे, लैम्डा निकल आएगी, वो आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगी, और अगर हम ए माइनस लैम्डा आई उसी लैम्डा के करिस्पॉन्डिंग एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर दें, फिर एक्स इज़ अ नॉन ज़ीरो वैक्टर, तो एक्स हमारे पास आइगन वैक्टर हो जाएगा। ठीक है, बट ट्रस्ट मी, अब जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको पता है, बट आप में से बहुतों को आज तक ये नहीं पता लगा होगा कि ऐसा बोला क्यों गया है, क्यों बोला गया ऐसा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को हमें ज़ीरो रखना है, राइट, एंड फ्रॉम वेयर दिस ए मैट्रिक्स केम, इसको हमें रटना नहीं है। वंस आई विल टीच यू दिस कोर्स आई विल एक्सप्लेन यू कि कहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को ज़ीरो किया जा रहा है लैम्डा को निकालने के लिए, वाई वी आर डूइंग दिस। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आज तक आपने शायद याद कर रखी होंगी, उसको भी हम इस कोर्स में समझेंगे। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन जब भी मैं क्लासेस में पूछती हूँ तो सारे स्टूडेंट से बस एक ही आंसर देखने को मिलता है कि क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। दैट इज़ फाइन, तरीका सही है, बट क्यों किया गया है, हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, तो हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड हम क्या करेंगे, हम टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उससे ही हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी जहाँ पे आई विल शो यू कि टी से हम टी की डेफिनेशन यूज़ करके ही आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं, बट क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है तो हम उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑर्डर्ड बेसिस निकाल लेते हैं और फिर ये लगा के निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो कहानी समझेंगे कि कैसे हम इस टी को बिल्कुल एसोसिएट कर रहे हैं इसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें भी देखेंगे जब जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा। तो ये रही पूरी चीज़ें। अब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में भी हमारे पास बहुत कुछ पढ़ने को, अगर आप देखोगे ऊपर से तो बस एक टॉपिक दिख रहा है, अंदर हम
आइगन स्पेस देखेंगे, देन आप देखोगे तो हमारे पास डायगनलाइजिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे। और इन सबको देखना बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, सिलेबस में तो नहीं लिखी है बट अगर हम पढ़ के रखते हैं तो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। डायगनलाइजिबिलिटी में आप सीखोगे बहुत सारी चीज़ें, हम ऐसी सीखेंगे कि मतलब विद इन 45 सेकेंड आप पता कर ले रहे हो कि जो मैट्रिक्स है वो डायगनलाइजेबल है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि कैसे क्या होगा, तो ये कोर्स थोड़ा सा लंबा है, ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमें इस कोर्स में पढ़ने के लिए। तो दिस कोर्स विल टेक यू नो फॉर एटलीस्ट 30 डेज फॉर श्योर इस कोर्स को कवर करने के लिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी तो उसका मैं अलग से कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं रखूंगी कि हाँ यहाँ पे ले लिया या किसी और दिन ले लिया। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी उसके साथ में ही उसका प्रैक्टिस सेशन लगा होगा, सो दैट ऐसा ना हो कि इन वन प्लेलिस्ट यू आर स्टडीइंग द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस कोर्स एंड इन अनदर प्लेलिस्ट यू आर स्टडीइंग द प्रैक्टिस सेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक विच आई हैव टॉट यू इन दिस कोर्स। सो एवरीथिंग विल गो साइड बाई साइड। Suppose today I have taught you about the basis and dimension. Okay, I have taught you all the theorems. So the same day or the next day, the session that you will be getting is practice session. Because practice is very important. In the exam, you have to solve the questions. If it comes in section C or section A, section B mein hamare paas thoda sa theory bhi zaruri hai janne ke liye, toh we will be covering that also. एंड डोंट वरी अगर आप अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देख रहे हो, जैसे मैंने आईसी के कोर्स में किया, पूरा कोर्स जैसे जैसे चल रहा था जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। ठीक है, सो हेयर ऑल्सो वी विल बी डूइंग सेम थिंग। सपोज वी स्टडीड द रैंक नलिटी थ्योरम, सो ऑल द क्वेश्चन विच हैव बीन बेस्ड ऑन रैंक नलिटी थ्योरम वी विल बी डूइंग इट ऑन द सेम लेक्चर। ओके, देन कमिंग टू द पॉइंट जो कि आप में से बहुत सारे बच्चों का है कि इस कोर्स की जो टाइमिंग होगी वो क्या होगी। मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दी थी आपको एक शॉर्ट वीडियो में, बट स्टिल नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। टाइमिंग वुड बी 5 PM। ठीक है, एट शार्प 5 PM यू विल गेट योर लेक्चर, सो बी प्रिपेयर्ड विद योर नोटबुक एंड पेन टू सिट एंड वॉच द लेक्चर केयरफुली। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कनेक्ट विद अस ईदर थ्रू कॉमेंट बॉक्स। और आपके पास एक और ऑप्शन बहुत अच्छा है, और वो क्या है, अगर आप देखोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक मिलेगी, जिसमें से एक ग्रुप जो है वो डिस्कशन के नाम से है। बेसिकली वी हैव क्रिएटेड दैट ग्रुप फॉर यू पीपल टू डिस्कस अमंग योर सेल्फ द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग, एंड इनकेस आपको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम वहाँ पर आपको नहीं सॉल्व हो पा रही है, देन यू कैन कम टू अस। ठीक है, वहीं पे टेलीग्राम ग्रुप पे ही यू कैन ड्रॉप अ मैसेज लाइक वी वांट यू टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे आपके लिए, अगर वो प्रॉब्लम मैक्सिमम 10 लोगों से नहीं हो पा रहा है, ओके, सो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम एक शॉर्ट वीडियो में आपको उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो आपके पास हमसे कनेक्ट होने के दो तरीके हैं, ईदर थ्रू कॉमेंट बॉक्स और थ्रू दी टेलीग्राम ग्रुप। ओके, सो तो जो आपको लिंक मिलेगी उसमें से एक डिस्कशन ग्रुप नाम का एक ग्रुप है, जहाँ पे आप डिस्कशन करो स्टूडेंट्स के साथ में, एंड इन केस अगर आपको नहीं वो सोल्यूशन मिल रहा है वहीं पे आप एक जो कमेंट है ड्रॉप कर सकते हो, दैट ईदर यू आस्क मी और ऋषभ सर टू डिस्कस दैट प्रॉब्लम। सो एनी हाउ वी विल अरेंज अ शॉर्ट वीडियो और यू नो अ वेरी यू नो डिटेल्ड वीडियो ऑन योर क्वेरी। ओके, सो यू हैव टू वेज टू कनेक्ट विद अस। टाइमिंग विड बी शार्प 5 PM, आप वहाँ पे आ सकते हो। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कमेंट बॉक्स पे कमेंट ड्रॉप कर दो, यहाँ पूछ लो, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, देन कमिंग टू वन मोर पॉइंट कि मैम बुक्स कौन सी फॉलो करें, आप में से यू नो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है। ओके, सो आप देखोगे कि अगर टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे यहीं पर, अगर आप हमारे ही यूट्यूब चैनल पर हमारे ही बच्चों के अगर आप देखोगे तो उनमें से कुछ बच्चे जो थे वो आपको 2 to 3 बुक्स सजेस्ट करेंगे, बट द रीज़न बीइंग इज़ दैट उसमें से कुछ बच्चों ने 2 साल प्रिपेयर किया है तब हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट स्टिक टू वन बुक, क्योंकि हम यहाँ पे जो कंटेंट कवर करने वाले हैं वो ऑलरेडी 2-3 बुक्स का कलेक्शन होगा, राइट? सो यू डोंट हैव टू गो फॉर द मल्टीपल बुक्स, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रीड
one book multiple times rather than having multiple books and not even studying for the single time. Okay, तो एक book लीजिए जिसमें आप comfortable हो और उसको पढ़ लीजिए. बाकी books की जो content है उसकी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको content मिल रहा है वो सारी books से मिला के ही हम आपको यहाँ पे provide कर रहे हैं, ठीक है. सो बुक अगर आपको फॉलो करनी है, एक तो चीज़ जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं जिनको लीनियर अलजेब्रा में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में भी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ा है लीनियर अलजेब्रा, तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी. तो उसके लिए आप शॉम सीरीज़ की बुक फॉलो कर लेना प्रैक्टिस पर्पज से. देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर बीइंग गिवन टू दैट बुक, तो अगर आप उनको सॉल्व कर लोगे आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक. बाकी भी जिनको प्रैक्टिस करना है वो उस बुक को फॉलो कर सकते हैं. बाकी बुक जो मैं यहाँ पे अगर आपसे कहूँगी फॉलो करो, तो दैट विल बी स्टीफन एच फ्रिडबर्ग सर्स बुक, ठीक है. आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो. दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक. इफ़ यू विल फॉलो दिस यू विल सी कि आपके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर हो रहे हैं. उस बुक की जो एक्सरसाइज दी है आप अगर सॉल्व कर सकते हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, आपको आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो डेवलप होगी, ठीक है. तो एक तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हो. और भी कई सारे ऑप्शन है. देर इज़ वन मोर बुक विच इज़ रिटन इन अ यू नो वेरी सिंपल लैंग्वेज, और मतलब अगर जिसको ये फ्रिडबर्ग सर की बुक नहीं पढ़नी है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में कोई चीज़ समझनी है, क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं जहाँ पे अप्लाइड प्लस प्योर दोनों जैसा कॉम्बिनेशन हो, बहुत सारी थ्योरम्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स प्रूफ करने को मिले, कुछ क्वेश्चंस इवैल्यूएट करने को मिले, उसके लिए देर इज़ वन मोर बुक. और आप लोगों ने देखा होगा एक बुक लीनियर अलजेब्रा डन राइट. ओके, लीनियर अलजेब्रा डन राइट ये बुक का नाम है. आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है. एंड इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं शेल्डन एक्सलर सर, ठीक है. सो यू कैन फॉलो दिस बुक ऑल्सो. दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक. इफ़ यू आर अ बिगिनर तो यू कैन गो फॉर इट. बट ये है कि चीज़ें थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में लिखी हैं, बट बहुत कुछ आपको खुद से भी समझना है, ठीक है. सो दीज टू बुक्स दैट आई विल यू नो सजेस्ट ऑल ऑफ यू, ईदर यू फॉलो दिस और यू फॉलो दिस, ठीक है. और जिन बच्चों ने एक बार सपोज कोई बुक पढ़ ली है, देन आई विल सजेस्ट देम कि उसी बुक को आप एक बार और पढ़ लो फॉर द यू नो बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दूसरी बुक का कंटेंट मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँगी. जो बच्चे शेल्डन एक्सलर सर की बुक फॉलो करेंगे या पढ़ चुके हैं आप उसी को पढ़ो, क्योंकि फ्रिडबर्ग सर की बुक का कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा. आई विल बी कवरिंग दोज कॉन्सेप्ट्स या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विच आर वेरी गुड इन दैट बुक आई विल बी कवरिंग, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. बुक्स मैंने आपको बता दी हैं. प्रैक्टिस के लिए शॉम सीरीज सर की बुक फॉलो कर सकते हो आप, नहीं तो मैं आपको ऑलरेडी कुछ हैंडआउट्स प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उन हैंडआउट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. यहाँ पे जो सेशन होगा ऑलरेडी मैं यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन करा दूँगी कि अगर आप फिर भी कहीं नहीं जाते हो तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जाम्स, ठीक है. सो टाइमिंग 5 PM books I have told you. One thing that I will also like to mention is that don't you know keep burdening yourself, because if today there is a lecture at 5 PM try to finish with that lecture by today itself, because if you thought tomorrow I'll do, tomorrow you didn't get the time, tomorrow again 5 PM you will get a lecture, and like this you will increase your burden and somehow you have to drop this course and then you will wait for the next course which is going to take a lot of time. Ek aur cheez jo main bachcho ko har baar remind karati hu, time aapke paas bilkul nahi bacha hai. Dekhte dekhte aap dekho to July bhi nikal hi gaya, aap sirf ऑगस्ट से ही आपका टाइम बचा हुआ है, ऑगस्ट से लेके थोड़ा सा फेब तक. सो ट्राई टू कवर द थिंग्स एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि थोड़े दिन बाद आप टेस्ट सीरीज़ पे भी स्विच करोगे, आपको टेस्ट सीरीज़ देनी होगी, वहाँ पे और टाइम जाएगा. 3 घंटे की टेस्ट सीरीज़ देन उसका एनालिसिस, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो इट इज़ यू नो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर योर सिलेबस विद इन द टाइम लिमिट्स. आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे बोल रहे हैं मैम आप कब ग्रुप थ्योरी पढ़ाओगे. आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज़ द यू नो कलेक्टिव इनिशिएटिव ऑफ माई एंड ऋषभ सर. वी विल बी यू नो कवरिंग द कम्प्लीट सिलेबस, नॉट आई विल बी कवरिंग, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन, ईदर फॉर ऋषभ सर और फॉर मी, टू कवर द कम्प्लीट सिलेबस इन दिस यू नो 4 to 5 months. तो मैंने बोला है ये कलेक्टिव सिलेबस पूरा करवाएंगे हम लोग,
तो आप डोंट वेट फॉर मी टू कम एंड कवर द ग्रुप थ्योरी. हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो टॉपिक्स अभी मैं पढ़ा रही हूँ सर पढ़ाएँ, या सर जो पढ़ा रहे हैं वो मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. बट अभी आपके लिए कौन पढ़ा रहा है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या पढ़ाया जा रहा है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट्स बेटर कि इफ़ आई एम कवरिंग लीनियर अलजेब्रा, यू कवर लीनियर अलजेब्रा फ्रॉम हियर. सर इज़ कवरिंग ग्रुप थ्योरी, यू गो एंड सिट इन द लेक्चर, यू विल एन्जॉय इट, वहाँ से आप उसको पढ़ो, ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम. एंड स्पेशली वो लोग जो किसी भी यू नो ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के यू नो सहारे नहीं बैठे, जहाँ पे आपको पहले पे करना होता है देन आपको क्लासेस देखने को मिलती हैं, तो आप लोगों के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको सारा कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है. सो इट्स बेटर कि आप आज से ही तैयारी शुरू कर दो. एक कोर्स आपके लिए ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, डेली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलता रहा, इसलिए हमने क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है. सो कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम भी आपके लिए कर रहे हैं, धीरे धीरे और चेंजेस आएंगे. सो ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ दैट एंड अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करो, वहाँ पे पार्टिसिपेट करो. कमेंट बॉक्स में मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन ऑफ द डे को देख रहे हैं बट स्टिल आर नॉट आंसरिंग, देन देर इज़ नो बेनिफिट. ओके, मिस्टेक्स करनी है तो इट्स बेटर कि यहीं कर लो. वो मिस्टेक्स जो आप उस दिन वहाँ जाके करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, इट्स बेटर टू डू देम राइट नाउ. सो कमेंट में अगर आपका आप देख रहे हो कुछ बच्चे कुछ और आंसर कर रहे हैं, आपका कुछ और आंसर आ रहा है, डोंट हेजिटेट. इट माइट बी द केस कि जो आप आंसर दे रहे हो वही सही हो जाए, एंड अगर गलत भी होता है इट्स ओके, एटलीस्ट आप सोल्यूशन देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि फ्रॉम वेयर यू हैव डन मिस्टेक, सो दैट द सेम मिस्टेक कैन बी अवॉइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल. सो यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी. ओके, सो इस कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, सिलेबस, टाइमिंग, बुक्स, हाउ वी विल प्रोसीड विद दिस कोर्स, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों यहाँ पे होगा. ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस न्यू कोर्स. फ्रॉम टुमारो 5 PM वी विल बी स्टार्टिंग विद आर लेक्चर एंड मोस्ट प्रोबेबली टुमारो वी विल बी कवरिंग फील्ड प्लस वेक्टर स्पेसेस बोथ. ओके, और थोड़ा सा जो क्लास का ड्यूरेशन है वो भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 55 मिनट्स में कुछ नहीं होगा. सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी अपलोडिंग द लेक्चर्स ऑफ 1.5 hours. ऑल ऑफ यू विल गेट कम्फर्टेबल वेरी सून, फाइन. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर हो गए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो आप अभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. कल वाले लेक्चर आने से पहले आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू, फाइन. सो थैंक यू सो मच.